दोस्तों इस सीन को देखिए, यह सीन 1969 में आई हिट फिल्म इत्तेफाक का है। कभी कभी इंसान की भूल भगवान का इंसाफ बन जाती है। डॉक्टर साहब, ये इत्तेफाक था। राजेश खन्ना, नंदा, सुजीत कुमार और बिंदु अभिनीत इस सस्पेंस थ्रिलर फिल्म में ना कोई गाना था और ना ही इंटरवल। बावजूद इसके, इसकी कसी हुई कहानी, अख्तरुल ईमान के लिखे डायलॉग, यश चोपड़ा के सधे हुए निर्देशन और राजेश खन्ना की बेहतरीन एक्टिंग के चलते ये फिल्म जबरदस्त हिट हुई थी। राजेश खन्ना की बंधन और आराधना के बाद लगातार हिट होने वाली ये तीसरी फिल्म थी। दोस्तों इस फिल्म को बनाने के लिए फिल्म यूनिट में इतना क्रेज था कि इसे केवल 28 दिन में ही शूट कर लिया गया। दोस्तों इस फिल्म के बनने के पीछे भी इत्तेफाक ही है। दोस्तों इस लाजवाब फिल्म के बनने की क्या है कहानी और क्या है इत्तेफाक जिसने आगे चलकर राजेश खन्ना को बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार बना दिया। तो चलिए दोस्तों, आज के इस खास वीडियो के जरिए हम आपको इस दिलचस्प कहानी से रूबरू कराते हैं। नमस्कार आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा खास एपिसोड सीने फंडा विद अली। दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सिनेमा जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां मिलती रहें। दोस्तों साल 1969 में फिल्मकार बिया चोपड़ा धर्मेंद्र, फिरोज खान और सारा बानो के साथ फिल्म आदमी और इंसान बना रहे थे। फिल्म को उनके छोटे भाई यश चोपड़ा डायरेक्ट कर रहे थे। फिल्म करीब करीब पूरी हो चुकी थी लेकिन फिल्म के कुछ सीन्स को लेकर यश चोपड़ा संतुष्ट नहीं थे। वो इन सीन्स को रीशूट करना चाहते थे लेकिन सायरा बानो के चलते समस्या हो गई। दरअसल हीरोइन सायरा बानो के पैर में चोट लगने की वजह से वो इलाज के लिए लंदन चली गई थी और वो एक महीने बाद वापस आने वाली थी। अब ऐसे में यश चोपड़ा करें तो क्या करें, लिहाजा उन्होंने इस वक्त को यूटिलाइज करने का फैसला किया। इसी दौरान उन्होंने मशहूर नाटककार प्रवीण जोशी का एक गुजराती नाटक देखा जिसका नाम था धूमस। ये नाटक उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने इस पर एक फिल्म बनाने का फैसला किया। बड़े भाई बी आर चोपड़ा से मशवरा किया और बात फाइनल हो गई। तय हुआ कि फिल्म में कोई गाना नहीं रखा जाएगा और एक ही सेट पर एक महीने में फिल्म बना ली जाएगी और तब तक सायरा बानो इलाज कराकर वापस लौट आएंगी। हफ्ते भर में ही जी आर कामत ने फिल्म इत्तेफाक की स्क्रिप्ट तैयार कर ली। स्क्रिप्ट मिलते ही अख्तरुल ईमान ने डायलॉग लिख डाले। अब बारी थी फिल्म के कलाकार चुनने की। शशि कपूर से बात हुई तो बिजी होने के चलते उन्होंने मना कर दिया। तब यश चोपड़ा ने राजेश खन्ना से बात की। दरअसल प्रोड्यूसर्स गिल्ड कंपटीशन में वादे के मुताबिक बी आर चोपड़ा को राजेश खन्ना के साथ मिलकर एक फिल्म बनानी भी थी, लिहाजा उन्होंने राजेश खन्ना को फिल्म के लिए कास्ट कर लिया। हीरोइन चुनने की बात आई तो सबसे पहले हीरोइन राखी से बात की गई लेकिन उस वक्त राखी राजश्री प्रोडक्शन के एक फिल्म में काम कर रही थी, लिहाजा उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद यश चोपड़ा ने हीरोइन नंदा से बात की। नंदा उस वक्त ट्रेंडिंग में थी क्योंकि उनकी फिल्म जब जब फूल के लिए हिट हुई थी। फिल्म में हीरोइन का किरदार नेगेटिव था। यश चोपड़ा चाहते थे कि फिल्म इत्तेफाक देखते समय किसी दर्शक को हीरोइन पर जरा भी शक न हो कि वो कातिल भी हो सकती, और नंदा की छवि मासूम और रोमांटिक थी, लिहाजा नंदा को फाइनल कर लिया गया। दोस्तों इस फिल्म से जुड़ा एक और किस्सा भी बहुत मशहूर है। दरअसल उन्हीं दिनों राजेश खन्ना दो रास्ते में काम कर रहे थे। यह फिल्म उन्होंने इत्तेफाक से पहले साइन की थी, लिहाजा दोनों फिल्मों की शूटिंग साथ साथ चल रही थी। यही वजह रही कि फिल्म दो रास्ते में वो कई सीन्स में बिना शेव के भी नजर आए थे। क्या करें मेम साहब, बड़ा भाई देवता है तो छोटा भाई शैतान भी तो है। क्योंकि फिल्म इत्तेफाक में शूटिंग करने के बाद वो दो रास्ते की शूटिंग में चले जाते थे। इत्तेफाक फिल्म में उनका चरित्र उलझा हुआ था। कैरेक्टर के हिसाब से पुलिस से भागे हुए और घबराए हुए मुजरिम के रोल में होने के चलते उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। इत्तेफाक फिल्म वाला गेटअप आप फिल्म दो रास्ते में भी देख सकते हैं। चार अक्टूबर 1969 को जब फिल्म इत्तेफाक रिलीज हुई तो मसाला फिल्मों को देखने के शौकीन दर्शक बिना गाने की ये फिल्म देखकर हैरान रह गए। फिल्म जबरदस्त कामयाब हुई थी।
दोस्तों फिल्म इत्तफाक के बनने की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों आज का सफर बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई थीम के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।